वेलकम टू कंपटीशन। अब यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है कभी ये भगवान न करे आपके साथ ऐसी कोई घटना हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा स्कैम या घोटाला, कुछ भी बोलो आप इसे, वो होते होते बच गया। अब बात करते हैं, आपके सामने जो नोटिस दिखाई दे रहा है, इस नोटिस में देखिए, सबसे पहले तो 11/2/2016 का नोटिस है, बात कर रहे हैं हम CHSL 2016 की, यहाँ से देख लीजिएगा आप, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2016 एग्जामिनेशन की ये बात है। अब बात यहाँ पे आपको मैं पूरे का पूरे डिटेल में बताऊँगा, उससे पहले आप ये अंडरलाइन वाले जो बॉक्स में बनी हुई है बात, ये पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वैसे ही बता दूँ, लिखा इसमें ये है कि SSC ने लोहार कम्युनिटी को, जो बिहार वाली है, उसे कंसीडर किया है ST कैटेगरी में। चलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा ऐसे ही रख दिया जाए। अब बात आती है यहाँ पर लिस्ट 171 कैंडिडेट, इन्होंने बोला है कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है, और रिजल्ट कब निकला है आप देखिएगा, 16/2/2018 को, 16/2/2018 को ये फाइनल रिजल्ट है कि किसी टीयर वन या टीयर टू का रिजल्ट नहीं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिजल्ट है। इसके बाद ही आपको सिलेक्शन हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग मिल जाती है। बात अब कर रहे हैं हम लिस्ट 171 की, यहाँ पे क्या है, 71 कैंडिडेट को उन्होंने क्या किया है, जो सिलेक्टेड नहीं थे उनको अब क्या किया है, वो क्या हो गए हैं, अर्लियर नाउ सिलेक्टेड। अब यहाँ पे कुछ एक कैंडिडेट और हैं, 72 कैंडिडेट्स ऐसे हैं हु वर डिक्लेयर सिलेक्टेड, जो पहले मतलब सिलेक्ट हो गए थे, अब उनको क्या कर दिया गया है, अब नॉट कंसिडर एज ए नॉट सिलेक्टेड। अब उनका जब रिजल्ट इन द अर्लियर वर नाउ डिक्लेयर्ड एज नॉट सिलेक्टेड, अब मतलब उनको क्या कर दिया उन्होंने, नॉट सिलेक्टेड, मतलब ये है कि पहले जो 71 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका सिलेक्शन अब कैंसिल कर दिया गया है, और बल्कि और 72 मत यही है कि 72 बच्चों का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया, 71 बच्चों को सिलेक्टेड कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया है, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिएगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वीडियो ये थी SSC का नया स्कैम, जिसमें 60 सीटों पर लगभग 5 करोड़ का घोटाले की मैंने बात की गई थी, 60 सीटों पर 5 करोड़ का स्कैम की बात की थी। और वही देखिए आप, 71 सीटें यहाँ पे आ रही हैं, सारा का सारा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये था, यदि आपको कुछ भी नहीं पता हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपके वीडियो पर ऊपर भी दिखाई दे रही होगी, लास्ट में भी आ जाएगी, क्या ये स्कैम था, क्या ये घोटाला था, आप बात समझिएगा पूरी। CHSL का पूरा एग्ज़ाम होता है 2016 का, CHSL 2016 का, उसका रिजल्ट आता है 16 तारीख को, 16 फरवरी 2018 को। उसमें क्या करते हैं ये लोग, 70 बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे के सारे ना हैंडीकैप कैटेगरी में होते हैं, विजुअल हैंडीकैप कैटेगरी में होते हैं, और उनका मैंने सब कुछ बताया था आपको, स्कोर कार्ड वगैरह हर चीज़ बताई थी इस वीडियो में। उनको क्या करते हैं ये लोग, सिलेक्शन नहीं करते हैं। ये तो शुक्र मनाइए आप कि कम से कम इन बच्चों ने फाइट की, इन बच्चों ने मैटर उठाया, ये इशू उठाया। यदि ये बच्चे मैटर नहीं उठाते, ये इशू नहीं उठाते, तो ये बात तो पूरी की पूरी दबी जाती, ये मतलब पूरा का पूरा स्कैम हो ही जाता। SSC ने 16 तारीख को रिजल्ट दे दिया, लेकिन अभी कब किया उन्होंने, 14 मई को, अभी ये सॉरी 12 मई को उन्होंने नोटिस डाला है, और 7 मई को मैंने वीडियो बनाई थी। अब आप मैं से ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो का असर है कि इतना बड़ा स्कैम होने से बच गया, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है उन बच्चों की मेहनत हो, जिन्होंने केस भी किया था इस चीज़ के लिए, कोर्ट में केस भी हो गया, पूरा फेब निकल गया आपका, पूरा मार्च निकल गया, और पूरा अप्रैल निकल गया, और मई के आते आते मतलब 3 महीने हो गए पूरा। आप बात करेंगे पूरे 3 महीने में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक नोटिस भी नहीं डाला, और अचानक से क्या करते हैं, रिजल्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर देते। लेकिन क्या हुआ इस रिजल्ट से, कम से कम भला हो गया उन लोगों का कि उन लोगों की ज्वाइनिंग मिल गई जिनका इन लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया था, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद भी बात पूरी करते हैं, उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना चाहें, या फिर हमारे फेसबुक पेज को, जिस पर आपको डेली की डेली काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी स्टडी से मैटर से रिलेटेड, और जिनके क्वेश्चन के आने के आंसर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में। और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉम्पिटिशन HU लिखिए, आप फेसबुक पर फाइंड कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन हब को कॉम्पिटिशन HU लिखना होगा। बात यहाँ पे यह है कि ये कैंडिडेट का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, ये स्कोर कार्ड हो सकता है आपको पूरा ना दिख रहा हो, लेकिन इसके लिए आप गौर से देखेंगे तो इसके नंबर है 169 मार्क्स पर इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ था पहली वाली लिस्ट में। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा मैटर अपना हाईलाइट किया, SSC ऑफिस में गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। बाद में उन्होंने केस किया, केस इनका एडमिट हो गया, केस की हियरिंग चली रही थी, अचानक से SSC ने क्या किया, रिजल्ट अपना का पूरा रिवाइज कर दिया, और इन लोगों को जॉब मिल गई। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि कम से कम एक स्कैम होने से होते होते बच गया। यदि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, यदि आपको वास्तव में शुक्रिया बोलना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि जब ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो, 7 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को रिजल्ट रिवाइज हुआ, 12 मई को, तब काफ़ी सारे लोगों ने इसको मतलब निग्लेक्ट किया था, अपने कमेंट दिए थे, उल्टे सीधे कमेंट दिए थे। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी जब मैं बताता हूँ, बताने से पहले समझ लिया करो बातों को, उसकी वेटेज को समझ लिया करो कि क्यों मैंने ये वीडियो बनाई है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, कि 70 बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ था, कम से कम उन लोगों की नौकरी बच गई। आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि यदि पहले की बात होती तो बिल्कुल ये मैटर दब जाता और कुछ भी नहीं होता, 70 की 70 जॉब चली जाती, कम से कम उनका तो भला हो गया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल टाइम।